आज के टाइम पे क्या मान्यता है इधर की कि जिसको शरीर में कोई दुख दर्द हो वो इसमें नहा ले तो फायदा हो जाए, जिन औरतों को बच्चे ना हो वो भी नहा ले तो उनको बहुत फायदा मिलता है, पर अभी के लिए है कि इसमें नहीं नहाना है और इस पत्थर पे भी आपने नहीं चढ़ना, मतलब यहाँ नहाकर वो यहाँ तपस्या करती थी। अच्छा, ऊपर पत्थर के। हाँ, हम लोग लाइन में लगे हुए, लाइन देखो कितनी लंबी है। नहीं है। और जब ये खा रही थी तो मैंने इसकी तरफ पूछा, इसकी तरफ देख के पूछा कैसा है, तो इसने ऐसा बोला और इसने चार पांच चम्मच खा के मेरी तरफ सरका दिया। और ऊपर से मैंने सोचा था कि थोड़ी ठंड रहेगी तो मैंने हुडी पहन रखी। ये तो बहुत ही गलत डिसीजन हो गया। तो गाइस हम जा रहे हैं हडिम्बा देवी टेंपल और बस अंकिता और मैं, और यहाँ पे टेंपल में हम लोग काफ़ी टाइम लगे हैं। अरे वाह, हमें फिर से याद दिख गया। अब टेंपल के अंदर जाके दिखाते हैं। सो पूरी गलियों से घूमते हुए हम लोग हडिम्बा टेंपल जा रहे हैं और इधर अपना हडिम्बा टेंपल का ये रोड है। अंकिता बोले चश्मा नीचे से चढ़ रहे हैं। मैं बहुत प्यारे अंकल बजा रहे हैं। चल, और यहाँ पे हडिम्बा भीम जी की वाइफ थी ना, तो यहाँ से भी बहुत सारे कपड़े हैं खरीदने का सामान। मारती पैदल चलोगे? पैदल चल, पैदल हो जाएगा। एक बार चल के देख 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 एक बार आ जा, देख। यहाँ पे हाथ से सिले हुए कपड़े। अब हम आ गए हैं हडिम्बा टेम्पल। प्रसाद आगे मिलते हैं। शूज कहाँ रखे हैं? सो गाइस ये है हडिम्बा टेंपल, माता हडिम्बा टेंपल, और हम लोग लाइन में लगे हुए। लाइन देखो कितनी लंबी है। नहीं है, उधर धूप नहीं है, इधर ही धूप पड़ती है। ये देखो लाइन में लगे हुए, लाइन बहुत लंबी है और बिल्कुल दर्शन करने के लिए हम बेताब हैं। ये रहा मारुति, ये रहा मैं, और ऊपर से मैंने सोचा था कि थोड़ी ठंड रहेगी तो मैंने हुडी पहन रखी। ये तो बहुत ही गलत डिसीजन हो गया। बहुत तेज धूप है यार। सोचो मेरी क्या हालत है। चल चल आगे चल मम्मा के पास। सो गाइस दर्शन हो गए हमें हडिम्बा देवी टेंपल के। अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, भूख लगी है। पहली बार किसी ट्रिप में अंकिता ने सबसे ज़्यादा मारुति को पकड़ा है, तीन चार बार। पूरा टेंपल घूमा हमने, बहुत ही बेहतरीन जगह थी। दर्शन करने के लिए लाइन बहुत ही लंबी थी और एक डेढ़ घंटे दर्शन लाइन में लगने के बाद हमें दर्शन हो गए। लोग लाइन में लगे हुए हैं, बहुत देर देर तक लाइन लगी हुई है। चलो 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 नीचे चलते हैं। यहाँ पे पूरी भीड़ लगी हुई है, वही कपड़े पहन के फ़ोटो खिंचाने वालों की। 100-100 रुपये में पहनो फ़ोटो खिंचाऊँ, उसी का शोर मचा रखा है इन लोगों ने। मुझे ये है हडिम्बा देवी टेंपल, और अब हम नीचे जा रहे हैं दर्शन करके कुछ खाने, भूख लगी है ना। मज़ा आया अंकिता? हाँ बहुत सुंदर। इसमें चलोगे? ये डूंगरी वन विहार क्या होगा इधर ऊपर क्या? अरे ऊपर खाने वाने का है कुछ, और मार्केट भी दिख रही है। हाँ चलो चलो। हाँ वहीं चलते हैं। लाओ मारुति को मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे टिकट है 10 रुपये की, कुछ है नहीं यहाँ पे, बस ऐसी है। ओ हम कहाँ हो गए, हम लोग मनाली में हैं। मारुति गिर जाओगे, मत जाओ उधर। क्या था? कहते कि इसमें माता रानी नहाने आती थी और उसके बाद वो तपस्या करती थी, और आज के टाइम पे क्या मान्यता है इधर की कि जिसको शरीर में कोई दुख दर्द हो वो इसमें नहा ले तो फ़ायदा हो जाए, जिन औरतों को बच्चे ना हो वो भी नहा ले तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, पर अभी के लिए है कि इसमें नहीं नहाना है और इस पत्थर पे भी आपने नहीं चढ़ना, मतलब यहाँ नहा कर वो यहाँ तपस्या करती थी। अच्छा ऊपर पत्थर के। हाँ अच्छा,
ये पवित्र सरोवर माँ हिडिंबा का है, उसमें नहाती थी और इसमें तपस्या करती थी। अब हम जा रहे हैं नीचे फिर से टेंपल से और कुछ खाना खाएंगे, अब भूख लगी है, लंच का टाइम हो गया है। खाना कितना यहाँ सब जगह सिर्फ मिल रहा है मोमोज और चाउमीन जो कि इतने गंदे टेस्ट के हैं, अब उल्टी आ रही है इनके नाम से मुझे। अब तो दिल्ली में ही जाके खाएंगे सच में, वो भी कुछ दिन रुक कर। भूख लगी थी बहुत तेज तो हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा खाने का मेरे हिसाब से थाली ही है। खाना ऑर्डर कर दिया, थाली और आलू टिक्की चाट अब खाएंगे और मजा आएगा। रोटी आ रही, रोटी से खाएंगे, मेरे हिसाब से बेस्ट यही है, ऐसे ही कुछ लेने लगे। भाई साहब खाना एक नंबर का, पर 100 बार मना करने के बाद भी इस लड़की ने एक बवासीर ऑर्डर किया, वो बवासीर ये था आलू टिक्की चाट। इसको मैंने 100 बार मना किया कि मत खाओ बेकार ही होगा, ऐसी जगहों पे मतलब पहाड़ों में या तो सादा खाना खाओ या फिर खाओ मैगी चाय, नहीं मानी। और इसने किसी और जब ये खा रही थी तो मैंने इसकी तरफ पूछा, इसकी तरफ देख के पूछा कैसा है, तो इसने ऐसा बोला और इसने 4-5 चम्मच खा के मेरी तरफ सरका दिया और ये बवासीर अब हजम नहीं हो रहा, मतलब कहाँ जाए ये समझ नहीं आ रहा। अब मैं इसकी तरफ सरका के वो प्लेट खींचूँगा। सो गाइज अब थकान बढ़ने लगी है, पहले हम लोग वशिष्ठ टेम्पल गए, फिर हिडिंबा टेम्पल, माता हिडिंबा टेम्पल और फिर अब हम जा रहे हैं मनाली के द क्लब हाउस में, वहाँ पे हम लोग थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद मोनेस्ट्री, ये सब चीज़ें घूम के फिर हम फ्री होंगे। अभी गाड़ी में बैठ के बैठने में मज़ा आ गया, अंकल टाइम से आ गए इधर उधर ही थे गाड़ी लगा के तो अच्छा लगा। मन कर रहा है कि बहुत दूर तक किसी गाड़ी में बैठा रहूँ, चलता हूँ।